नमस्कार, मैं हूं शिवाली गिल और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज दुर्गाष्टमी है। आज नवरात्रि का आठवां दिन है और माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ व सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही भविष्य में पाप संताप दैन्य दुख उनके पास कभी नहीं जाते। वह सभी प्रकार से पवित्र व अक्षय पुण्यों के अधिकारी हो जाते हैं। कहा जाता है कि देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत हो जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं लौटी तो भोलेनाथ उन्हें खोजते हुए उनके पास पहुँच गए। उनके पास पहुँच कर पार्वती जी को देख कर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण हो जाता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर शंकर जी देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं और वह महागौरी कहलाती हैं। अगर बात की जाए महागौरी के स्वरूप की तो महागौरी के वस्त्र व आभूषण श्वेत हैं, उनकी चार भुजाएं हैं और वह वृषभ पर सवार रहती हैं। माता का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। माता का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, उनके दूसरे हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में डमरू है और साथ ही माता के नीचे का बायां हाथ वर मुद्रा में है। माता महागौरी की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता भक्तों का दुख दूर करती हैं। उनकी उपासना से भक्तों को असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे पेज एसएस लोकल लाइव को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज एसएस लोकल लाइव को लाइक करना ना भूलें।